नमस्कार, मैं हूं राहिद और आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी। इस वक्त हम दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद में खड़े हैं और यहां पर आप हमारे जो पीछे दो मंजिला बिल्डिंग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं बल्कि अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से है। और इस बिल्डिंग पर आज जिला प्रशासन बुलडोजर चलवा रहा है। हालांकि बाबा का बुलडोजर अपराधियों पर लगातार चल रहा है, अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी, हर अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि ये जो दो मंजिला इमारत है, ये जहांगीराबाद में है और इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही थी। और आपको हम बता दें कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जहांगीराबाद इलाके में पहुंचकर विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से ये जो दो मंजिला इमारत है, इस पर बुलडोजर चलवा रही है। आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर भारी संख्या में फोर्स बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर तीन थानों की फोर्स सहित एक कंपनी PSC सहित नगर पालिका और राजस्व की टीम भी मौजूद है। मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ दो बुलडोजर है, एक बुलडोजर यहाँ खड़ा है तो दूसरा वहाँ खड़ा है और जहाँ पर कार्रवाई हो रही है वहाँ से अलमारी भी बाहर निकाली जा रही है। हालांकि अंदर जो सामान है पहले उसको बाहर निकाला जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उसको ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में आपको हम बता दें कि यहाँ पर CO मौजूद है, फोर्स मौजूद है और PSC की टीम भी मौजूद है। ऐसे में इनसे जानते हैं कि क्या है पूरी कार्रवाई, क्या है मामला, कैसे क्या है पूरा मामला। सर देखिए, ये अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति है और DM साहब के आदेश पर इसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। ये माफियाओं द्वारा गलत तरीके से दूसरे के जमीन में कब्जा करके ये बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है ध्वस्तीकरण। कौन माफिया है ये? मुख्तार अंसारी माफिया हैं और उनके द्वारा इसको गलत तरीके से अपने बेटों परिजनों के नाम से बनवाया गया था। किसके नाम से है? दोनों बेटों का नाम क्या है सर? दोनों बेटों के नाम से है। अच्छा, नाम कुछ पता है क्या सर दोनों बेटों का? अरे अब्बास है और एक और उमर। अच्छा, तो सर आगे की कार्रवाई क्या की जाएगी इसके बाद? देखिए, जितने माफिया हैं और जो भी माफियाओं द्वारा गलत तरीके से बिना नियम कानून को तोड़ के किया गया है तो उसके साथ ही कार्रवाई आगे भी होते रहे। ये लोग हाईकोर्ट भी गए थे? हाईकोर्ट में ऐसा कुछ नहीं, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने इन लोगों का वो खारिज कर दिया। जिलाधिकारी के आदेश पे कार्रवाई हुई, DM साहब के आदेश पे कार्रवाई हो रही है। जिलाधिकारी के आदेश पे ये पूरी कार्रवाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार का लगातार अपराधी ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या कोई भी अपराधी हो, लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। तो आज मऊ जनपद की ये बड़ी खबर है। आपको हम बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से ये जो दो मंजिला इमारत है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको हम बता दें कि ये अवैध तरीके से संपत्ति को बनाया गया था, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। आपको हम ये भी बता दें कि इस पर बुलडोजर ना चले या इस पर कोई कार्रवाई ना हो, इसके लिए अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी वो रिट खारिज हो गई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी कोर्ट में दाखिल किया गया था, लेकिन वहां पर भी जिलाधिकारी ने रीट को खारिज कर दिया और आज बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह और CO की मौजूदगी में, भारी संख्या फोर्स की मौजूदगी में आज ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। हालांकि लगभग 2 घंटे से कार्रवाई चल रही है और अभी भी दो मंजिला जो इमारत है, इस पर पूरा बुलडोजर नहीं चल पाया है। हालांकि अंदर ज़्यादा सामान है, ज़्यादा सामान होने की वजह से धीरे धीरे इसको तोड़ा जा रहा है और जो अंदर सामान है पहले उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद धीरे धीरे उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको हम ये भी बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हैं या जिस जगह पे ये बिल्डिंग है, ये पूरा मुख्तार अंसारी का इस ज़मीन पे कब्जा था और धीरे धीरे कर योगी सरकार ने इस ज़मीन पर कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ यही दो मंजिला इमारत बची हुई थी, जिसको भी पिछले दिन है इसको सीज करने की कार्रवाई की गई थी और आज जिलाधिकारी कोर्ट ने बुलडोजर चलवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद आज सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, CO, तीन थानों की फोर्स और एक कंपनी PSC सही और राजस्व टीम, नगर पालिका की टीम की मौजूदगी में इस पर कार्रवाई की जा रही है। तो आज बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम से जो बिल्डिंग थी, उस पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको हम ये भी उसको बता दें कि इसके आगे एक मस्जिद भी है, लेकिन उस मस्जिद पे कोई ना तो वो मुकदमे में है और ना ही उसको गलत तरीके से बनाया गया है, वो एकदम
सही है और फ्रेश है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सिर्फ ये दो मंजिला इमारत पर आज बुलडोजर चलवा रही है। फिलहाल अब्बास अंसारी पर यह बड़ी कार्रवाई ही है और लगातार योगी सरकार का मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल में ही जो प्रयागराज में घटना हुई थी उसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम आ रहा था और कल की बात आपको हम बता दें, कल मुख्तार अंसारी का शूटर विजय सोनकर को गिरफ्तार किया गया था, वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था और आज अब्बास अंसारी पे ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सिटी।